चंडीगढ़ च उस वेले दहशत का माहौल बन गया जदों सब्जी मंडी चो तीन जिंदा बंब मिले। जी हाँ, चंडीगढ़ के राम दरबार फेस टू स्थित म सब्जी मंडी च शनिवार सवेर करीब 6:30 बजे सफाई कर्मचारी विक्रम ठाकुर ने एक बंब देखा। उसने इसकी जानकारी नेड़े पैंदे पुलिस स्टेशन च दी। पुलिस की जांच ते दो होर बंब मिले। पुलिस ने तीनों बंब कब्जे विच लैंदे हुए इसकी जानकारी एयरफोर्स नूं दी। एयरफोर्स ने मौके ते पहुंच बंबा की जांच की, उन्होंने मिट्टी च दब दिता। अभी हमें यहाँ पे ना 7:21 पे मैसेज आया था कि यहाँ पे ऐसे करके कुछ एक्सप्लोजिव मिला है, और हमारी सिविल डिफेंस की टीम, मेरी पूरी रेस्क्यू की टीम, पुलिस, एयरफोर्स, आर्मी सब ने यहाँ पे पहुँच के कॉटन ऑफ कर दिया। बम डिस्पोजल की टीम आ गई थी, उन्होंने बैग्स लगा के उनको बिल्कुल पहले सिक्योर रखा हुआ था। फिर बाद में फाइनली डिसीजन ये हुआ कि इसको डिच खोद के उसको सेफ एंड साउंड रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की आवाजाही थी थोड़ी सी, तो हमने उसको सेफ करके रख लिया है। अभी तो अभी बम डिस्पोजल के साथ आर्मी वाली टीम गई हुई है देखने के लिए कि किस एरिया में इसको डिस्पोजल करना है। सर कितने? तीन थे अभी, बाकी तीन थे, बाकी अभी पता लगेगा कि हमारे लिए तो लाइव ही हैं, वो बताएंगे आर्मी वाले कि ये क्या है क्या नहीं है। इस घटना करके पूरे चंडीगढ़ च दहशत दा माहौल बनिया होया है। लोग घरां तो बाहर आउण तो डर रहे हैं। पुलिस वालों इसकी जांच की जा रही है कि यह बंब कित्थों ते किवें पहुंचे। सुबह 100 पे कॉल आई थी कि कुछ बॉम्ब टाइप की चीज़ कुछ पड़ी हुई है, एक्सप्लोसिव्स टाइप की, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पे हम सब लोग आए यहाँ पे। ये अभी आर्मी को भी बुला दिया है, दे विल आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ है, अकॉर्डिंगली डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल शुरू किया जाएगा। फिलहाल के लिए एरिया सैनिटाइज करके इसको ज़मीन में गाड़ दिया गया है, गार्ड वगैरह लगा दी गई है, तो एज एंड व्हेन जैसे आर्मी का डिसीजन होगा अकॉर्डिंगली वील फैसिलिटेट इट। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लिए साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लिए बैल आइकन ते क्लिक करना ना भूलो।